subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Namaskar! Welcome to Hungry Spirits channel. स्वागत करते हैं आपका आपके अपने चैनल Hungry Spirits में. तो मजा आ रहा है घर घर बिग बॉस देख के, अपनी आवाज सुन के, अपने वीडियोस देख के. आई एम श्योर कि आपको बहुत मजा आ रहा है, इसलिए आप ढेरों वीडियोस और ऑडियोस भेज रहे हैं. तो शुरू करते हैं अपना शो जिसका नाम है घर घर बिग बॉस. घर घर बिग बॉस. चलिए नवीन जी, शुरुआत में जैसे हमने एक पैटर्न नया शो का, शुरू में एक वीडियो तो दिखानी ही दिखानी है. तो आज हम जो वीडियो आपको दिखाने वाले हैं, यानी कि नवीन जी अपने पिटारे में से जो वीडियो निकालने वाले हैं, वो कौन सी है, मैं नवीन जी से ही पूछती हूँ. आज हम वीडियो दिखाएंगे एक नन्हे मुन्ने प्यारे हमारे दर्शक का, जो कि बिग बॉस 11 से बिग बॉस देख रहे हैं. क्या बात है. अच्छा जी, जी बच्चा बच्चा, तो उनका वीडियो देखिए. जी जरूर. मैं सिद्धार्थ शुक्ल का बहुत बड़ा फैन हूँ. मुझसे बड़ा फैन कोई नहीं है. प्लीज प्लीज सिद्धार्थ शुक्ला, आसिम, आप दोनों की दोस्ती हमें देखनी है. आप फिर से दोस्ती कर लो. आई लव यू फेमस. तो इन्होंने कहा कि मैं सिद्धार्थ शुक्ला का फैन हूँ, मुझसे बड़ा फैन कोई नहीं है. तो ये देखिए आप नवीन जी की जो बिग बॉस का शो है, वैसे तो हम लोग मान के चलते हैं कि बिग बॉस का शो जो है बड़े लोग देखते हैं, क्योंकि वैसे ही झगड़े होते हैं, वैसा सब कुछ होता है. बट बच्चा इतनी मतलब कॉन्फिडेंस के साथ ये बातें बोल रहा है, और वो ये भी दावा कर रहा है कि मैं सबसे बड़ा फैन हूँ. तो इसके लिए तो बहुत ही मुझे अच्छा लगा ये देख के कि बच्चों में भी बिग बॉस इतना पॉपुलर हो रहा है. और साथ में सिद्धार्थ शुक्ला और असीम रियाज से निवेदन है कि भैया बच्चे की बात तो सुन लो. हाँ, हो जाओ बिल्कुल, क्योंकि बच्चे भी चाहते हैं कि दोस्ती, और आपकी दोस्ती की मिसाल बच्चों के पास भी पहुंच रही है. तो जल्दी से पैचअप कर लो और एक हो जाओ. तो आगे नवीन जी मैं आपको एक ऑडियो सुनाती हूँ, आप ऑडियो सुनोगे तो आप हिल जाओगे. ओ ऐसा. हाँ, बहुत ही गुस्से में है खुशी कलकत्ता से. क्यों गुस्से में है वो आप ऑडियो सुनिए और फिर हम करेंगे बात. खुशी गुस्से में. खुशी गुस्से में. हाय मैम, ये मैसेज आसिम रियाज के भाई के लिए है, उनके बड़े भाई के लिए, जो बार बार आरती का मैं नहीं बोलूँगी, पर सना के लिए मैं ज़रूर बोलूँगी कि बार बार जो सना को वो ब्लेम कर रहे हैं ना, ये बहुत गलत कर रहे हैं. मुझे नहीं लग रहा कि ये लोग बिग बॉस देख रहे हैं, लग रहा कोई और शो देख रहे हैं. तो आसिम रियाज के जो बड़े भाई हैं ना, क्या नाम है उनका, उमर रियाज, मैं आपको अच्छे से बता रही हूँ, आप ना सनों को ब्लेम करना ना बंद कर दीजिए. मुझे तो ये समझ में नहीं आ रही कि आप बिग बॉस देख रहे हो कोई और शो देख रहे हो. हाँ, मैं भी ये शो देख रही हूँ, बिग बॉस देख रही हूँ, बल्कि आसिम सना के खिलाफ सिद्ध को बहकाया था, पर अभी तक मैं देख रही हूँ ये शो, कभी सना नहीं बहकाई आसिम रियाज के खिलाफ, सिद्ध को कान कभी नहीं भरी. हाँ, आप क्या साबित करना चाहते हैं बोल करके, उससे दूर रहो, सना से दूर रहो, आरती से दूर रहो. आप है कौन, आप कहाँ के मंत्री है, हाँ आप होते हैं कौन है. आज जो आसिम रियाज जो इतना ऊपर गया है ना सिद्धार्थ के वजह से और सना की वजह से, वरना वो कब का आउट हो गए होते. और सना को ब्लेम लगाना बंद कर दीजिए, खास करके मैं आपको बोल रही हूँ उमर रियाज, अपने हद में रहिए. बल्कि आपके भाई ने ही सीत को सना को अलग किया, उसके कान भरे, एक महीना से फ्रेंडशिप थी, भरोसा नहीं किया, पर सना को बारे कितनी गलत बात बोला कि घर में भी खराब है, बाहर में भी वो खराब है, एक दोस्त होकर ऐसे बात बोलते हैं, बोलकर उनकी फ्रेंडशिप को ख़त्म किया. सना तो उनको पलट के जवाब भी नहीं दी, अंधे कहीं के अपने भाई की अच्छाई देख रहे हैं. यानी कि आप अपने आपके भाई है तो आप अपने भाई की बुराई नहीं देखेंगे, है ना, और दूसरे पे ब्लेम लगाएंगे. अब वो बिचारी सना जो बोलती नहीं है किसी को, जो पाते हैं सब उनको बोल के निकल जाते हैं, मोटी बोल देते हैं, भैंस बोल देते हैं, पर वो इग्नोर कर देती. उस सना के जगह में किसी और को रख के देखे ना, चाहे वो हिमांशी हो, माहिरा हो, देवुलीना हो या रश्मि हो, किसी को भी अगर बोले ना तो पलट के वार करेगी. पर एक सना बेचारी
है जो वो बर्दाश्त कर लेती है, इग्नोर कर देती है, इसलिए उसके ऊपर सब चढ़ जाते हैं। उमर रियाज मैं आपको समझा रही हूँ, अंधा मत बन के देखिए उस सीरियल, समझे ना, वरना आंख निकाल लेंगे आकर। बाप रे, एंग्री यंग वुमेन। सबसे पहले मैं कहूंगा शांत, खुशी शांत, गदादारी भी शांत। और उसके बाद यह है कि मैं असीम रियाज के भाई साहब से भी निवेदन करूंगा कि कुछ ऐसी वीडियो मत, इंटरव्यू मत दीजिए, वीडियो मत डालिए, सो दैट जो कि इनकी दूरियों को और बना दे। पब्लिक, जनता का पूरा विश्वास है कि ये दोनों भाई फिर से एक साथ हो जाएंगे, और ये तीनों की जो तिकड़ी है, शहनाज, सिद्धार्थ शुक्ला और असीम की, लोग इनको साथ में देखना चाहते हैं। यूनिटी इज स्ट्रेंथ, वो कहते हैं एकता में अनेकता, अनेकता एकता में अनेकता, ये सही है क्या नवीन जी? हाँ बिल्कुल सही है। मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई एकता में अनेकता में, खैर मैं इसके बारे में जरूर थोड़ा सा कहना चाहूंगी कि जो भी असीम रियाज के ब्रदर बाहर बोल रहे हैं, और उनको ये तो पता ही है कि असीम के भी फैन है, सिद्धार्थ शुक्ला के भी फैन है, और अभी तक जो फैन फॉलोइंग चल रही थी दोनों की एक साथ चल रही थी, यानी कि दोनों को लोग बहुत पसंद कर रहे थे। तो जो जो भी आप बोलते हो वो ये सोच के बोलिए कि वो लोग बिग बॉस के घर में और उन्होंने फिर से दोस्ती कर लेनी है, मगर आपकी वजह से उनके फैंस नहीं टूटने चाहिए। yes. है ना, तो वो बहुत जरूरी है, फैंस ही वोट करते हैं, फैंस ही आगे लेके जाते हैं। तो ये जरूर आप ध्यान रखिए कि कोई भी ऐसी स्टेटमेंट, कोई भी ऐसी इंटरव्यू में इतना मत बोलिए कि खुशी को इतना गुस्सा आ जाए। चलिए अगला ऑडियो हम सुनते हैं संगीता मौर्य जी का, वो भी हमारी रेगुलर व्यूअर है, तो उन्होंने क्या कहा है। हाय मैम, हाय सर, मैं आपके चैनल की आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जैसे कल सिद्धार्थ और आसिम दोनों साथ नहीं थे, तो आसिम कहीं ना कहीं थोड़ा कम ही दिखा, जबकि शहनाज सिद्धार्थ के साथ थी ना, तो वो थोड़ी ज्यादा दिख रही थी। कॉमेडी भी कल उसकी अच्छी जच रही थी, मतलब बढ़िया लग रही थी वो कॉमेडी में भी। और उस शहनाज का जो आत्मविश्वास था ना सिद्धार्थ के साथ, वो थोड़ा अच्छा लग रहा था, जबकि ये पारस के साथ रहती थी ना, वो भी चले गई थी टीम में, तो शहनाज कहीं ना कहीं थोड़ी अंदर से ऐसे मासूम सी लगती थी, जबकि कल देखने में बहुत अच्छी लगी। मुझे ऐसा लगता है कि अगर सिद्धार्थ और आसिम दोस्ती नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं आसिम का नुकसान होगा, मेरे को ये लगता है। क्योंकि जैसे अभी सिद्धार्थ के फ्रेंड्स वगैरह है, तो वो पहले अभी आसिम को भी वोट करते थे, पहले अभी नॉमिनेट में होते थे और ऐसे भी देखते थे, चलो थोड़े इधर कर दो वोट, थोड़े इधर कर दो, अब वो उन्हीं को वोट करेगा, और सीधा वो शहनाज रहेगी तो वो शहनाज को करेगी वोट, कहीं ना कहीं आसिम का नुकसान होगा। तो मेरे को ये लगता है कि दोनों को कर लेना चाहिए। बाप रे बाप, क्या आपको लगता है ऐसा है अंजू जी? आप बताइए आप क्या सोचते हैं, क्योंकि मैंने आप ऑडियो सुना दी, अब आपकी बारी है राय। क्योंकि दर्शक भी ऐसा काफी मैसेज कर रहे हैं, क्योंकि सिद्धार्थ शुक्ला और असीम को साथ में देख रहे थे और यही जो जोड़ी थी चर्चा का विषय बनी हुई थी, लेकिन दोनों में आ गया डिस्प्यूट, जो दरार आई, दूरियां बनी, तो उसका फायदा उठाया किसी दूसरों ने। ये मैं आपको इसमें थोड़ा सा मैं आप बताती हूँ कि जब असीम आए थे घर के अंदर, तो उनका पहले झगड़ा हुआ था पारस से, जो कि कुछ दो तीन दिन चला, या बोलने एक हफ्ता चला, उसके बाद असीम ज्यादा दिखाई नहीं दिए। उसके बाद वो आ गए शुक्ला जी के साथ, यानी कि शुक्ला के साथ उनकी दोस्ती होगी, और वो दोस्ती को लोगों ने बहुत वोट दिए, है ना, उस फ्रेंडशिप को, उस बॉन्डिंग को लोगों ने बहुत पसंद किया, उस दोस्ती को लेके वोट मिले। शुक्ला जी के वोट तो पहले से ही थे, उनकी फैन फॉलोइंग पहले से थी, क्योंकि वो ऑलरेडी सीरियल्स कर चुके हैं, लोग उनको जानते हैं, और असीम ने अपनी फैन फॉलोइंग बनाई यहाँ पे आके, एक दोस्ती की बॉन्डिंग को इतनी स्ट्रांगली दिखा के। yes. तो अगर अब वो नहीं दिखाई दे रहे, तो उसका कारण डेफिनेटली ये है कि उनकी आपस में दोस्ती में थोड़ी सी दरार आ गई है। तो ये इनका कहना बिल्कुल सही है अपना संगीता जी का, कि अब असीम थोड़े कम दिखाई दिए हैं, और साथ में एक नया ट्रैक चला है जो देवोलीना और अपना किसका, शुक्ला जी का, और वो उस चीज का फायदा देवोलीना ने भी उठाया, सब उठाने की कोशिश करेंगे, विशाल उठाने की कोशिश कर रहे नवीन जी, जिसने पहले सबसे पहले असीम को भड़काया था कि प्यादा नहीं हूं मैं, बोले इनडायरेक्टली उसको बोला था, तो उसका फायदा तो सब लोग उठाएंगे, क्योंकि एक स्ट्रांग पार्टी के बाद सब जाना चाहते हैं, वो हमने देखा ही है। तो खैर मैं ये बोलूंगी कि अभी जो नया ट्रैक शुरू हुआ है शुक्ला जी का और देवोलीना का, उसके बीच में मुझे किसी की जगह दिखाई नहीं दे रही है, नहीं दे रही। अच्छा एक बात पहले बताइए, ये बात कर कि ये आखिर देवोलीना ऐसा क्यों कर रही है, वो मैं आपको बताती हूँ, मगर उससे पहले आप एक ऑडियो सुनिए।
देखा राजीव राजवीर जी क्या कहते हैं, कुछ क्लैरिटी मिली आपको? हाँ, क्लैरिटी मिली। राजवीर जी का ये पंजाबी में है, जिनको पंजाबी समझ में हमारे काफी दर्शकों नहीं आती थी, बता दूं कि ये राजवीर कल्पा जी की हाल जी भाई देवो ना इस करके सिद्धार्थ दे नाल प्यार दा ड्रामा कर रही है। उसने सलमान नू गलत कहा सी, सलमान तो डर ली ओदी डांट तो डरन ली, हुण तां करके ड्रामा कर रही है भी मैनू सलमान को डांट ना पड़े। भाई जी मेरी बात एकदम सही है ना, देबो इसलिए ड्रामा कर रही ना प्यार दा। तो सबसे पहले तो राजवीर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये दोस्तों राजवीर जी ने पंजाबी भाषा में ये भेजा है ऑडियो मैसेज, तो जिन लोगों को पंजाबी नहीं समझ में आई हो तो उनके लिए मैं बता दूं कि ये कहना चाहते हैं कि पाजी ये देवोलीना इसलिए कर रही है क्योंकि देवोलीना ने सलमान खान के बारे में जो बोला था बाथरूम में, तो अब बोल तो गई लेकिन वो कहीं ना कहीं अंदर से डर रही है। बिल्कुल। और अब वो लोगों उस चीज का ध्यान मुद्दे को हटाने के लिए तो ये नया मुद्दा उसने किया कि इसमें इस लटकों झटकों में वो चीजें दब जाए। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो लेकिन मैं मेरा कहना ये है कि आपका इसके बारे में पहले क्या बताइए। मेरा तो कहना नवीन जी यही है कि जो भी देवोलीना कर रही है अब वो अच्छा तो लग रहा है, ट्रैक हटा के उसने जो नया शुरू किया है, अगर वो ध्यान भी बटा के पेश करना चाहती है चीजों को तो वो चीजें अच्छी लग रही हैं, मनोरंजक लग रही हैं, क्रिएटिविटी है, क्रिएटिविटी है। उससे पहले तो सिर्फ चिल्लम चिल्लाई हो रही थी कि आपस में लड़ाई झगड़े हो रहे थे, अब ये जो हवा चली है ना प्यार की वो थोड़ी सी अच्छी लग रही है, चाहे नकली है। बिल्कुल बिल्कुल। वो गाना सुना ना, पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले झूठा ही सही, तो झूठा ही सही प्यार तो दिख रहा है। खैर अब मैं एक बात आपसे पूछूं नवीन जी, कि आज हमने वीडियो शेयर किया, ऑडियो शेयर किया, मगर माहिरा की बात नहीं हुई। अरे यार हाँ, मुझे भी कुछ मिस्सा लग रहा है यार, ये क्या ठंडा लग रहा, अजी मेरे मन को कुछ कुछ हो रहा था। नहीं आपको मैं बिल्कुल ऐसा मिस नहीं करने दूंगी क्योंकि माहिरा के लिए तो ऑडियो आता ही आता है, तो सुनते हैं संदीप जी माहिरा के बारे में क्या कह रहे हैं। हिंदुस्तानी भाव ने माहिरा को कुछ गलत नहीं कहा क्योंकि पारस पहले से ही कह रहा है लंबे होठों वाली, लंबे होठों वाली, उसने छिपकली जोड़ दिया तो क्या हुआ, ये ऐसा कुछ कर दिया। कुछ लोग सोशल मीडिया बोल रहे हैं कल तो यार बूढ़ी के बारे में नहीं बोलना चाहिए था, सही बोला क्योंकि मायरा सबके बारे में बोलती है, सिद्धार्थ को बोलती है ये 40 साल का बूढ़ा है, मेरी माँ से 4 साल बड़ा है, और ऐसा कुछ वो बोल रही है, कभी मगरमच्छ बोल रही है, किसी को कभी कुछ बोल रही है, उस वाला तो ठीक है। और इसने मतलब हिंदुस्तानी भाव ने ये बोल दिया लंबे ओठ वाले चिपली तो क्या गलत बोल दिया, कुछ गलत नहीं बोला, सही बोला उन्होंने। बाप रे बाप, तो कि इनका है कि भाव ने बड़े होठ की चिपकली कह दिया तो क्या बात है, लेकिन ये भी बात है कि वो टास्क था और टास्क में भाव मुझे तो लगता है कि बिग बॉस के घर में अंदर बिग बॉस से परमिशन लेके आए थे मनोरंजक बनाने के लिए। और ये जो माहिरा अभी रिस्पोंड कर रही है, मैंने अपने लाइव वीडियो में भी शेयर किया था कि जब पारस को उसने बोला कि मुझे तो बड़े होंठों वाली बोलता है हाँ। तो क्यों बोलता है, इसीलिए उन्होंने मुझे ये चीज बोली, मगर पारस ने यहाँ पे पॉइंट अपना रखा था कि जब मैं बोलता था तब तो मुझे टोकती नहीं थी हाँ, बुरा लगता तभी बोलती, बुरा लगता तो तभी बोलती, अगर तब बुरा नहीं लगा तो अब क्यों बुरा लगा, अब मुद्दा। तो ये आपने सही बोला है कि भाव की गलती नहीं है, मगर अगर फिर भी ये चीज गलती में जाती है तो भाव आगे से समझ जाएंगे क्योंकि वो मेच्योर पर्सन है ना। उन्होंने उसके बाद भी जाके इवन माहिरा को बोला कि बेटा अगर बुरा लगा हो तो मैं माफी मांगता हूँ, तो उसकी एक बड़प्पन है वो दिख रहा है भाव का, जो उनकी वैसे पर्सनालिटी से लोग डर रहे थे, अब वो चीजें थोड़ी ठीक ठाक लग रही है, सब कम्फर्टेबल हो रहे हैं। तो ये थे नवीन जी आज के ऑडियो और वीडियो मैसेजेस, और अब मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आप नंबर पहले बोलिए फिर हम प्लेट दिखाएंगे। हमारा नंबर है 7700290038, याद कर लीजिए और फटाफट फटाफट से भेजिए, वीडियो भेजिए, ऑडियो भेजिए, तो फटाफट भेजिए। और जो लोग मतलब नंबर नोट करना चाहते हैं, फिर से रिकन्फर्म करना चाहते हैं, उनके लिए हमारा नंबर है ये। तो दोस्तों ये था आज का घर घर बिग बॉस, आपको कैसा लगा कमेंट कीजिए, और नवीन जी से मैं पूछूंगी कि अब उनको कुछ वाइंड अप स्टेटमेंट देनी है आज के एपिसोड के लिए, तो दीजिए फिर हम आपसे इजाजत। नहीं नहीं, वाइंड अप स्टेटमेंट था ये है कि आप किसी के भी फैन हो, भले रश्मि देसाई के, भले देवोलीना के, भले असीम रियाज के, सिद्धार्थ शुक्ला के, किसी के भी फैन है, भले ही आप अपने भोजपुरी भैया के फैन है खेसारी लाल यादव के, तो फटाफट से हमें वीडियो भेजिए, ऑडियो भेजिए,
हमें इंतजार रहता है। और स्पेशल उन लोगों से जो बहुत ही लो वॉइस में ऑडियो भेजते हैं, अपनी वॉइस को बढ़ा के भेजिए ताकि हमें यहाँ पे इस तरह से ना करना पड़े कि वॉइस बढ़ाए और वॉइस क्रैक हो जाए और फिर आपको अच्छे से सुनाई ना दे। तो मैं गुजारिश करती हूँ कि वीडियो ऑडियो की वॉइस क्वालिटी को आप जरूर चेक करके भेजिए। जोर से बोलो ठीक है। चलिए आज के लिए दीजिए आज्ञा, कल फिर आपसे मिलेंगे घर घर बिग बॉस में। टिल देन कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.